हे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आपकी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा, बढ़िया चल रहा होगा। जी मेरे हाल भी अच्छे हैं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों आजकल टैटू ऐसी चीज बन गई है जिसको हर कोई बनाना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि कई सारे लोग ऐसा लगता है जो टैटू बनाकर घूमते हैं वो बड़े कूल होते हैं भाई, बड़े स्टड्स होते हैं। वो लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें कई ज्यादा स्टाइलिश माना जाता है। यही वजह है कि आज हर 10 में से 6 इंसान के पास आप टैटू देखेंगे उनके हाथ में, उनके कमर में, कोई कहीं भी बनवा लेता है यार। देखिए ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, लेकिन जहां स्टाइल के साथ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वहां नॉर्मल चीजों से बात नहीं बनती। इसीलिए तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैटू बनवाकर घूम रहे हैं। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिनको देखने के बाद आप खुद कहेंगे यार ये तो बड़े कमाल के बंदे हैं यार। भाई इनके टैटू इतने रियलिस्टिक हैं, इतने असली लगते हैं जिनको देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। अगर आपको देखना है तो प्लीज वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहिए, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। आ जाओ छलांग मार कर चलते हैं नंबर 1 पर। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ ब्राजील के एक ऐसे आदमी से जिनको देखने के बाद आप 2 मिनट के लिए डर जाएंगे। वो ये 40 साल के हैं, इनका नाम है रिको सोसा, और इनको देखने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि हम जैसे ही नॉर्मल इंसान है। आपको लगेगा यार ये तो मतलब टैटू बनाने के लिए बने हैं। जिस तरह से इन्होंने अपनी बॉडी के हर एक पार्ट में टैटू बनाया है, आप ये देखिए कैसे इन्होंने अपने फेस को बदल कर रख दिया है। आपको लग रहा होगा ये करने की क्या जरूरत थी भाई, तो आपको जानकर हैरानी होगी। मैं आपको बता दूं इन्होंने हमेशा कोशिश की सबसे अलग दिखने की, और उसके बाद इनकी वाइफ ने इन्हें इस तरह का लुक दे दिया। आप देखिए और समझिए कैसे लग रहे हैं इन्होंने। भैया अपनी जीभ तक नहीं छोड़ी, जी हाँ सोचिए जीभ तक नहीं बख्शी। यहाँ भी एक अलग डिजाइन बना लिया, इनके शरीर में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसे इन्होंने छोड़ दिया हो। ये देखिए सर से लेकर पेट तक, नीचे का हिस्सा भी इन्होंने हर जगह टैटू करवा रखा है। वैसे एक बात होता है, इन्हें देखकर वाकई में 2 मिनट के लिए कोई भी डर जाए। यकीन नहीं हो रहा ये रात के समय कैसे घर से बाहर निकलते होंगे, क्योंकि अचानक से कोई इनको देख के इस तरह से बेहोश भी हो सकता है। नंबर 2, वेल दोस्तों इस दुनिया में आज के टाइम पर क्रिएटिविटी की भैया कोई कमी नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसा जिसको आपने आज तक नहीं देखा होगा। आप ये देखिए स्पार्क प्लग टैटू, आप यहाँ देखिए कैसे टैटू को डिजाइन किया गया है। क्या कोई इन्हें देखकर कह सकता है ये ओरिजिनल स्पार्क प्लग नहीं लग रहे हैं। इस टैटू की आप बारीकी को देखिए, आप यकीनन इसे अप्रिशिएट करेंगे। वेल दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बनाया है अमेरिका के एक डिजाइनर ने जो कि इसी तरह के टैटू बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्या खूबसूरत तरीके से इस टैटू को बनाया गया है, वाकई में मजा आ गया देखकर। वही कहते हैं इस तरह के टैटूज उनको इंस्पायर करते हैं क्योंकि मशीनों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। वाकई में ये बहुत ही इंस्पिरेशनल टैटू है। कितनी खूबसूरत तरीके से कलर का इस्तेमाल किया गया है ना, बहुत अच्छा शेप भी दिया गया है, बिल्कुल किसी रियलिस्टिक स्पार्क प्लग की तरह है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। नंबर 3, वेल दोस्तों बचपन में हर बच्चे का शौक होता है कि वो डॉल के साथ खेले, है ना। ज्यादातर लड़कियां डॉल के संग खेलती हैं, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये तो नहीं होता कि कोई बड़े होकर डॉल ही बन जाए। आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी लड़की को जो कि डॉल को इतना पसंद करती थी कि भाई साहब वो डॉल ही बन गए। जी हाँ इनका नाम है जैस्मिन बीन। आप इनको देखिए कैसे डॉल बनी हुई है। इनके बारे में कहा जाता है कि हर समय इस तरह से ही तैयार रहती है, हर समय डॉल के ही करेक्टर में ये नजर आती है। कहा जाता है कि ये बचपन से ही सबसे अलग बनना चाहती थी, तो सोचा इन्होंने भाई क्यों ना मैं डॉल बन जाऊं। आप ये देखिए एक गुड़िया की तरह नजर आ रही हैं। इनको देखकर लगता है इंसान कुछ भी कर सकता है। और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि इनके 400K सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हैं। जी हाँ और ये अच्छी खासी इनकम कमाती हैं। नंबर 4, अब मैं आपको दिखाता हूँ टाइम लैप्स टैटू। यकीन कीजिए इसको देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाया जाता है टैटू। साथ ही दोस्तों आपको ये भी पता चल जाएगा अगर किसी को टैटू बनाना है तो उसे कितना पेशेंस रखना पड़ता है। आप यहाँ पर देखिए इस बंदे के बैक में टैटू को डिजाइन करने की तैयारी हो रही है, कितनी बारीकी के संग काम किया जा रहा है। इसमें कम से कम 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है। जी हाँ आप ये देखिए कैसे डिजाइन बनाया जा रहा है इनकी बैक में। उसके बाद इंक करना शुरू किया गया, धीरे धीरे करके इस टैटू को तैयार किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक बार जब ये बन के तैयार हो जाता है ना तो ये अलग ही लेवल की चीज नजर आती है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसे कहते हैं टाइम लैप्स टैटू। इस टैटू का मतलब होता है कि आप एक ही साथ कई सारी चीजों को देखना चाहते हैं। यह बहुत ही अलग लेवल का काम है। क्या आपने कभी इस तरह के टैटूज देखे थे? यकीन नहीं होगा क्योंकि ये सबसे यूनिक टैटू है। इसको बनाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना उसको देखकर कहा जा सकता है किस तरह के टैटू मेकर्स के पास कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना हाई होता होगा। नंबर 5, अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसे तैयार किया जाता है ज्योमेट्रिक टैटू। जी हाँ आजकल ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। कहते हैं सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका के लोग इसको बनवाते हैं। ब्राजील में तो भाई इस टैटू का सबसे ज्यादा क्रेज है, लोग इसे बनाते हैं कैसे और ये दिखता कैसा है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ आप देख सकते हैं कैसे इसको यूज किया गया है। इस तरह के ज्योमेट्रिक टैटू को इसलिए लोग बनाना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। दोस्तों साथ ही ऐसे दिखते भी हैं, मानो कि आपकी सोच अलग हो। आजकल टैटू लोग बनवाते हैं दूसरों को अपनी फीलिंग दिखाने के लिए। यहाँ पर भी आप देखें कैसे बॉक्स को बनाकर इसे तैयार किया जा रहा है। इस टैटू को बनाने में बहुत समय लगता है, वो इसलिए क्योंकि लंबा काम होता है ये बहुत ही ज्यादा एंड बहुत ही ज्यादा बारीकी से किया जाता है। इस टैटू को देखकर लगता है मानो किसी को डिटेलिंग बहुत ज्यादा पसंद हो, है ना। आप ये देखिए किस तरह से एक चीज को डिटेल में देखने के बाद बनाया जाता है। दोस्तों ये टैटू जनरली आपके आर्म्स पर ही बनाया जाता है, कमाल का टैटू वर्क है इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई इनके लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 6, दोस्तों मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूँ जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं इस आदमी के शरीर में सिर्फ टैटू ही टैटू है? जी हाँ, आप जरा इसको गौर से देखिए। आप ही बताइए कैसे आदमी को देखने के बाद आपको लगता है कि नॉर्मल है। भैया हम जैसे इंसान तो है लेकिन हमसे बहुत अलग है। कहा जाता है कि इन्हें बचपन से ही टैटू बनाने का बहुत शौक था, लेकिन शायद किसी ने सोचा नहीं होगा ये शौक इनकी पहचान बन जाएगी एक दिन। इनके शरीर में एक भी ऐसी जगह नजर नहीं आ रही है जहाँ पर इन्होंने टैटू न बनवाया हो। इनफैक्ट इन्होंने अपनी आंखों में भी टैटू बनवाया है। ये बड़ी अलग किस्म के टैटू लवर हैं। 200 टैटू तो टैटू, इन्होंने अपने दांत भी जानवर की तरह कराए हुए हैं। जी हाँ, आप ये देखे कैसे इन्होंने अपनी आंखों के अंदर भी टैटू बनवाया हुआ है। कहा जाता है कि ये बड़े हिम्मत वाले इंसान है क्योंकि एक टैटू बनाने के लिए लोगों को न जाने भाई कितने दर्द सहने पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। ऐसा मेकओवर यार आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, इसलिए कहा जाता है कुछ लोग टैटू लगवाने के लिए बने हैं। आपको बता दूं पूरी दुनिया में ये किंग ऑफ टैटू के नाम से जाने जाते हैं। इनके हर एक टैटू के बारे में इनके फैंस जानना चाहते हैं। ये टैटू ही तो है जिसके दम पर आज इनके पास 1,00,000 से ज्यादा सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं इन्होंने अपने हाथों को भी डायनासोर की तरह बनाकर रख दिया है। जी हाँ, किंग ऑफ टैटू बनना भाई इतना आसान काम थोड़ी ना है। आप जरा इनके दांतों को देखिए, वैम्पायर की तरह लग रहे हैं। और आंखें भाई साहब पूरी डरावनी, बच्चे तो इनको देख के वाकई में डर के भाग जाएंगे। नंबर 7, वेल दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे इंसान से जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ, क्या आपने कभी ब्लैक वॉक के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज इनके बारे में जानकारी आप ले लीजिए। आप ये देखिए ब्लैक वॉक को, इन्हें देखकर लगता है भाई ये इतने काले क्यों हैं? आपको बता दूं इनका शरीर काला नहीं है बल्कि इन्होंने इसको टैटू करवा रखा है। आप जरा देखिए इंक स्टाइल, क्या बात है। ये रशिया से हैं और इसे लोग वोवा के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इन्हें दो ही चीजों का शौक है लाइफ में, पहला है भाई बॉडी बनाने का और दूसरा है टैटू बनवाने का। वैसे भाई टैटू तो बड़ा कमाल का बनाया यार, साथ ही साथ ये बॉडी बिल्डर भी जबरदस्त है। आप जानते हैं 6 से 8 घंटे जिम करते हैं और उसके बाद का बाकी समय काम को देते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात तो कंफर्म है, ये लगते बड़े ही खतरनाक है। इन्हें इनकी पर्सनालिटी की वजह से कई सारी फिल्मों में काम करने का ऑफर मिल चुका है। जी हाँ। नंबर 8, वेल दोस्तों कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने आप को सबसे अलग दिखाने का बड़ा शौक होता है कि यार मैं भीड़ से अलग दिखूं। वो चाहते हैं कि सारे के सारे लोग उन्हीं के बारे में चर्चा करें, सब उन्हीं के बारे में सोचें। ब्राजील का ये इंसान भी कुछ ऐसा ही है। इनका नाम है जॉम्बी पंक, नाम ही खतरनाक है जॉम्बी। आप इनको देखिए, आपने इससे पहले किसी को इस हाल में देखा है? क्या आपने कभी किसी को इतने सारे टैटूज के संग देखा है? मैं आपको दिखाता हूँ सबसे अलग बात इनके बारे में, ठीक है। अब सबसे अलग है इनकी आंखें। आप देखिए इनकी एक आंख का कलर बिल्कुल ब्लैक है। क्या आपने इस तरह की आंखें कभी किसी की देखी थी? वेल दोस्तों जब इन्होंने अपनी आंखों में टैटू करवाया था ना, तब इनसे कह दिया गया था कि यह बहुत ही रिस्की काम है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन दोस्तों ये ठीक है और इन्हीं टैटूज की वजह से आज ये दुनिया में छाए हुए हैं। वैसे इनको देखकर यार कोई भी डर जाए। ब्राजील देश में टैटूज का बड़ा क्रेज है ऐसा लगता है इनको देखकर। नंबर 9, दोस्तों आपने फिल्मों में या कॉमिक बुक में कई तरह के राक्षस देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको मिलवाता हूँ एक ह्यूमन ORC से, मतलब राक्षस की तरह दिखने वाले एक इंसान से। 41 साल के हैं। इनके बॉडी का 80% हिस्सा आप जानते हैं टैटू से भरा पड़ा है। न जाने कहाँ कहाँ टैटू बनवा के भैया घूम रहे हैं, लेकिन जो चीज इनको सबसे अलग बनाती है वो है इनके दांत। आप जरा देखें इनके दांतों को, वाह वाह वाह, मतलब राक्षस की तरह लग रहे हैं। अगर कोई रात के अंधेरे में इनको देख ले तो वाकई में डर के मारे उसकी जान निकल सकती है। सच में यार कितना डरावना लग रहा है। खुद को यार अलग बनाने के लिए लोग मतलब किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 10, अब मैं आपको एंड में दिखाता हूँ कुछ ऐसे ही जबरदस्त 3D टैटूज। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं ये टैटू इस लड़की के पैर पर है। आप देखिए कैसे यहाँ पर ये बनाया गया है। वाह, मजा आ गया भाई इसको देखकर, मानो पैर पर ही खिड़की बना दी गई हो। वहीं पर आप इसे भी देखिए, आपको ऐसा लगेगा शायद इनके हाथों में छेद है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए 3D टैटू की मदद से कितना कमाल का काम किया गया है। कोई भी इनको देखकर यार चौंक जाए, वैसे टैटू बनाने वाले की तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी टंग पर भी टैटू बनवा लेते हैं। आप कौन जैसे लोगों से ही मिलवाते हैं? आप यहाँ देखिए इस टैटू को, पूरी की पूरी जीभ ही वही कवर कर दी इन्होंने। एक बात माननी पड़ेगी, वैसे काम यार बड़ा शानदार किया है, काम अच्छा है।
मजा आ गया इस तरह के टैटू को देखकर। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग टैटूज जो सबको हैरान कर दें। इनमें से कौन सा आपको कमाल का लगा कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। एंड अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो आप एक काम कीजिए, पेज को फॉलो कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।